बहुजन समाज पार्टी ने किया बीजेपी को समर्थन। जय भीम दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बहुजन समाज की अपडेट। दोस्तों, बहुजन समाज की जो सबसे पहली अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो निकलकर आ रही है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आज, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिए। दोस्तों, जिस तरीके से एसपी और बीएसपी के महागठबंधन को लेकर यूपी में अभी तक अनिश्चितता बनी हुई है, दोस्तों इसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि विचारों और लोगों का संगम रूपी गठबंधन आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों, अखिलेश यादव जी का कहना था कि एक विचार वाले, एक सामाजिक सोच वाले लोगों का गठबंधन आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों, अखिलेश यादव जी की बात से साफ जाहिर होता है कि एसपी और बीएसपी का गठबंधन हम लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है यूपी के अंदर। दोस्तों, आगे पत्रकारों ने अखिलेश यादव जी से पूछा कि क्या इस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल हो सकती है। इस बारे में अखिलेश यादव जी का कहना था, मैंने कहा है कि यह विचारों और लोगों का संगम होगा, इसी बात में सारे जवाब शामिल है। तो दोस्तों, ये कहना था अखिलेश यादव जी का जब उनसे पूछा गया क्या इस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल हो सकती है क्या। दोस्तों, अखिलेश यादव जी की इस बात से आप लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या वो कांग्रेस को शामिल करना चाहते हैं या कांग्रेस को शामिल करना नहीं चाहते। दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आ रही है प्रकाश अंबेडकर जी की तरफ से। प्रकाश अंबेडकर जी भारतीय बहुजन महासंघ के अध्यक्ष है। दोस्तों, प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को बंबई के अंदर नजरबंद कर दिया गया और उन्हें होटल से बाहर नहीं निकलने दिया गया, चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से भीमा कोरेगांव जा रहे थे फिर महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जिस तरीके से बहुजन समाज के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें भीमा कोरेगांव नहीं जाने दिया जा रहा है, सरकार खुद अपनी टेंशन बढ़ा रही है। उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी को हमारा शौर्य दिवस है, वहां पर कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। दोस्तों, ये बातें कही थी प्रकाश अंबेडकर जी ने। दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर निकल कर आ रही है यूपी से। यूपी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन दोस्तों ऐसा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आए दिन वहां पर आम लोगों पर हमला होते रहता है, हत्याएं होती रहती है और दुष्कर्म होते रहते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, यूपी की पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है। अभी शनिवार को एक मामला निकल के सामने आया है, गाजीपुर में भीड़ ने एक कांस्टेबल को ईंट और पत्थर से हमला कर मार डाला। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। अभी तक पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ करना चालू है। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार पुलिस कर्मी प्रधानमंत्री मोदी की रैली से वापस जा रहे थे जब उनके साथ यह हादसा हुआ। दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आ रही है भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को लेकर। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से नजरबंद कर दिया गया था, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर छोड़ दिया गया था, अब वो पुणे के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों, जब वो पुणे के लिए जा रहे थे तब उन्होंने अपना एक लाइव किया था, तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि पुलिस ने किस तरीके से उन लोगों को घेर चुका है, पुलिस की कितनी गाड़ियां उनको साथ लेकर जा रही है, कितनी आगे है, कितनी पीछे है, सब कुछ उन्होंने दिखाया है और किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो दोस्तों, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी को पुलिस की गाड़ियां घेर कर ले जा रही थी। गाड़ियां हैं लगातार जो चल रही है, मेरे साथ में भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथी चल रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, ये है अम्बेडकर वाद जो 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 आग लगाता है, चीने की रास्ता दिखाता है। देखिए ये देखिए, मेरे साथ देखिए आप, पुलिस की गाड़ियां जो लगातार चल रही है, और इनका उद्देश्य वही है बस मुझे रोकना। किस ये देखिए लगातार जो है पुलिस की गाड़ियां चल रही है। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से तो देख ही लिया होगा कि किस तरीके से पुलिस वाले चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर जा रहे थे। दोस्तों, बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने किया बीजेपी को समर्थन। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। दरअसल महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। बसपा के समर्थन से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने हासिल की जीत। तो क्या है पूरा मामला जानिए। महाराष्ट्र के अहमदनगर मेयर चुनाव में भाजपा के बाबा साहब वाकले 47 मतों के साथ के मेयर चुने गए। दोस्तों, 68 सदस्य नगर निकाय में भाजपा के केवल 14 प्रत्याशी ही जीते थे, लेकिन दोस्तों जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसके 18 सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के 4 सदस्य और एक निर्दलीय पार्षद ने
भाजपा के बाबा साहब वाकले को समर्थन दिया, जिससे वह वहां के मेयर चुने गए। दोस्तों, इस नगर निकाय चुनावों में जो सबसे बड़ी पार्टी रही वो रही शिवसेना। आप सभी को पता ही होगा कि बीजेपी और शिवसेना अब हर चुनाव अलग अलग होकर लड़ रही है, बिना गठबंधन के लड़ रही है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी शिवसेना। उसके पास कुल 24 सदस्य थे, लेकिन दोस्तों बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 33 से 34 सदस्यों की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी थी जिसके 14 सदस्य पार्षद बने थे, तो दोस्तों वो तो अपना मेयर नहीं बना सकती थी। लेकिन 18 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और 4 बीएसपी के और एक निर्दलीय ने उनका समर्थन दिया और इससे उनका मेयर बन गया। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के भी 5 सदस्य चुन के आए थे, लेकिन उन्होंने वोटिंग में भाग नहीं लिया। दोस्तों अब जो कांग्रेस का आला कमान है महाराष्ट्र का, उसने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से स्थानीय नेताओं ने भाजपा को समर्थन दिया है, क्या वो आने वाले राज्य चुनावों में भी ऐसा करने वाले हैं? तो उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों आगे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा है कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपने स्थानीय नेताओं पर कोई एक्शन नहीं लिया तो इसके दुष्परिणाम आगे गलत हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो 4 बसपा के पार्षद थे उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दिया है वहां पर। दोस्तों अभी इस बारे में तो मायावती जी का कोई खुल के बयान सामने नहीं आया है। दोस्तों आगे इसके बारे में अगर कोई भी अपडेट मिलती है तो मैं अपने चैनल पर सबसे पहले ही दूंगा। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में ही नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है उसे भी दबा दीजिए। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, बिना कहीं पर मत जाना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन और बढ़ा देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि भोजन समाज के हर व्यक्ति को ये खबर मिल पाए, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और बाजू में नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है उसे भी दबा दीजिए। हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।